हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एसक्यूएल व्यू में हमें काम करना सीखना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम टेबल बनाना सीखेंगे कि टेबल कैसे बनाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लीजिए और जो भी वर्जन है ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक कीजिए और यहां से क्रिएट पर क्लिक कर लीजिए। अब देखिए एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो आप यूज़ करते हैं उसमें भी काम ऐसे ही होगा। यही कोडिंग आपको वहां भी करनी होगी। अगर आपके पास वो सॉफ्टवेयर है, आपके कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर है, तो यही कोडिंग करके आप वहां भी काम कर सकते हैं। अब यहां पर दो व्यूज आपको दिख रहे हैं। फिलहाल मैं बाय डिफॉल्ट डेटा शीट व्यू में हूँ। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से क्रिएट पर जाऊँगा और क्वेरी डिज़ाइन पर जाऊँगा और यहाँ क्लोज कर दूंगा। यहाँ से क्लोज पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एसक्यूएल व्यू आपको दिखाई पड़ जाएगा। अब यहाँ सेलेक्ट क्वेरी आ रही है, हमें यहाँ पे टेबल बनाना है सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे क्रिएट टेबल, तो यहाँ टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, अब उस टेबल का आपको नाम भी देना होगा जो भी टेबल बना रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं स्टूडेंट नाम दे देता हूँ टेबल को, तो यहाँ स्टूडेंट नाम दे दिया टेबल को। अब नीचे आइए, यहाँ से स्मॉल ब्रैकेट लगाइए। यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे रोल नंबर होगा स्टूडेंट का, तो यहाँ मैं अंडरस्कोर लगा लेता हूँ, तो रोल नंबर लिखा मैंने। ओके, अब रोल नंबर कौन सा डेटा टाइप होगा, इंट हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ इंट डेटा टाइप ही मैंने ले लिया है। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट नल, चूंकि ये प्राइमरी की है तो इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते। ओके, और यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी की, और रेपिटेशन भी नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी की अगर है तो रेपिटेशन भी नहीं कर सकते, आप रिपीट नहीं कर सकते इसको। नीचे आइए, अब यहाँ पर क्या क्या आपको लेना है वो ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर लगा लिया मैंने, लास्ट नेम। ओके, अब लास्ट नेम जो है कौन सा डेटा टाइप होगा। यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ वेयर कैर, इस पर पहले भी दो तीन वीडियोज मैंने बनाई हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। यहाँ 50 साइज रख लेता हूँ मैं, जो भी मैं लिखूंगा यहाँ पे लास्ट नेम वो मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स का होगा। ओके, कॉमा दिया। अब यहाँ पर फर्स्ट नेम की बात करेंगे, तो यहाँ पर लास्ट नेम ले लिया हमने, अब फर्स्ट नेम ले लेते हैं कॉमा दे करके। फर्स्ट अंडरस्कोर किया मैंने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों हो गया। अब यहाँ पर फिर इसकी साइज मेंशन कर लेते हैं वेयर केयर करके। यहाँ पर साइज जो है इसकी 50 हो जाएगी, और साइज 50 करने के बाद फिर नीचे आएंगे आप फोन नंबर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ लिखा मैंने फोन नंबर। ओके, तो फोन नंबर यहाँ पे लिख लिया हमने। अब यहाँ पर इंट टाइप का डेटा टाइप यहाँ मेंशन कर रहा हूँ मैं फोन नंबर के लिए। ओके, फोन नंबर में कौन सा डेटा टाइप है, इंट टाइप का डेटा टाइप है। ओके, अब फोन नंबर लिख लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई कॉमा नहीं देना है आपको, और यहाँ पर आप स्मॉल ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और क्लोज करने के बाद यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारा स्टूडेंट टेबल जो है क्रिएट होकर आ गया है। आप देख सकते हैं इसको, मैं पहले इसे सेव कर लेता हूँ, क्वेरी वन के ही नाम से सेव कर लेता हूँ, और ये जो स्टूडेंट टेबल आई हुई है इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे रोल नंबर 1 डालना है हमें, लास्ट नेम है सिंह, फर्स्ट नेम है पूजा, और यहाँ पे फोन नंबर जो भी है वो डाल सकते हैं आप। आइए नीचे, दूसरा नेम, लास्ट नेम है सिंह, फर्स्ट नेम है सुमन। ओके, और यहां पर कोई फोन नंबर हो जाएगा। थर्ड यादव, और यहां पे कर दिया मैंने सोहन, और यहां पे कोई ये हो जाएगा। फिर यहां पे फोर्थ नेम जो है वो डाल देंगे हम। अब जैसे यहां पर हो जाएगा शेख, और यहां पे हो जाएगा जावेद। ओके, और यहां पे कोई फोन नंबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें फोन नंबर और ये नेम लेके आ सकते हैं, इस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी हमने कर लिया सेव। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब हमें सेलेक्ट को भी देख लेते हैं। पहले मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, यहां से ये क्लोज कर दिया हमने, अब ये ओपन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे, यहाँ एसक्यूएल व्यू दिखेगा। अब उस वाले टेबल से आपको कुछ डेटा सेलेक्ट करके इस वाले यानी जो क्वेरी 2 बना रहे हैं इसमें लेके आना है आपको। तो उसके लिए हम सेलेक्ट जो कीवर्ड है उसका यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, कैसे ये आएगा उसको देख लेते हैं। तो अभी हमको सेलेक्ट कहाँ से करना है, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम ये देखिए ये हमारी टेबल है, या ये जो हमने अभी क्वेरी बनाई वो वाली टेबल है,
और जो हमने टेबल जहां से हमको उठाना है ये, उसका नाम है स्टूडेंट। तो हमें अभी स्टूडेंट लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, गैप दीजिए एक बार, स्टूडेंट लिख लिया। अब यहाँ पर डॉट लगा लीजिए। अब आपको क्या क्या चाहिए इस स्टूडेंट नाम के टेबल से, आपको क्या क्या चाहिए? तो अगर आपको रोल नंबर चाहिए तो यहाँ रोल नंबर ले सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। रोल, ये क्वेरी टू, रोल नंबर चाहिए तो यहाँ लिखिए रोल अंडरस्कोर नंबर। तो रोल नंबर ले लिया हमने। अब आपको आगे भी कुछ चाहिए तो कॉमा दे करके आप उन चीजों को ले सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कहाँ से लेना है पहले ये मेंशन कर दीजिए। स्टूडेंट से लेना है, स्टूडेंट नाम का जो टेबल है वहां से लेना है, डॉट लगाइए। और अब मान लीजिए लेना है लास्ट नेम, तो यहां लिख दिया लास्ट नेम, तो ये ले लिया हमने, ओके। और नीचे आइए, अब यहां पे कुछ नहीं लगाना आपको, यहां तक हो गया, अब यहां पे कुछ लगाइए नहीं। अब यहां पे लिखिए कहां से ले रहे हैं हम, फ्रॉम स्टूडेंट, जो स्टूडेंट नाम का टेबल है वहीं से तो हम ले रहे हैं इसको, तो यहां लिख दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट, ओके, ये लिख दिया हमने। इसके बाद क्या करना है, यहां पर सेमी कोलन लगा के इसे टर्मिनेट कर दीजिए और यहां से व्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देख सकते हैं लास्ट नेम और रोल नंबर दोनों यहां पे आ चुका है। आप देख लीजिए एसक्यूएल व्यू में इस तरह से काम करिएगा तो आपका काम बहुत ही आसानी के साथ हो जाएगा। इसको भी मैं सेव कर लेता हूं, ये क्वेरी टू के नाम से सेव हो रहा है। ये देखिए, ये कोडिंग से, कोडिंग जो हमने करी है यहां पे देख सकते हैं, क्रिएट टेबल के लिए ये कोडिंग है, ओके। और यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये एसक्यूएल व्यू की कोडिंग है और यहां पर सेलेक्ट करने के लिए ये वाली कोडिंग यूज करी है मैंने। और जैसे ही आप रन पे क्लिक करते हैं तो यहां पे ये आपको डिस्प्ले हो जाता है, तो यानी कोड क्या है हमारा, कोड यहां पर। तो यही कोडिंग आप SQL यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में भी डाउनलोड करके वहां भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो काफी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो आपको कैसी लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।